ओके तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिए इसमें जो इस क्वेश्चन में ना आपको 1/7 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बस ये इतना भारी भरकम लिखा हुआ वर्ड है बट बहुत आसान है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ना हम लोग को ये गिवन कर रखा है कि 1/7 की वैल्यू इतना है और हमें निकालना क्या है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। ओके देखिए 2/7 आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 1/7 × 2, राइट। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब 1/7 की वैल्यू क्या है, गिवन है ना क्वेश्चन में, बस 1/7 की वैल्यू ले लीजिए। 1/7 की वैल्यू कितना है, 0.142857 × 2, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखा देती हूँ। 0.142857 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 11, 8 × 2 = 16 or 1 = 17, 2 × 2 = 4 or 1 = 5, 4 × 2 = 8 और 1 × 2 = 2। तो कितना हमारा आ चुका है आंसर, 0.285714। ये आपका 2/7 का वैल्यू आ चुका है। ओके अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 3/7। 3/7 को भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7, ठीक है। आप इसमें वैल्यू रख लीजिए, 3 × 0.142857 और हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 7 × 3 = 21, 5 × 3 = 15 or 2 = 17, 1 8 × 3 = 24 or 1 = 25, 2 2 × 3 = 6 or 2 = 8, 4 × 3 = 12 or 2 = 1, 3 × 1 = 3 or 1 = 4। ओके तो हमारा आंसर कितना आ चुका है, हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो है 4285711, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है, 0.428571। ओके ठीक है, इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आप लोग कॉपी वगैरह जब भी वीडियो देखते हैं तो कॉपी पेन अपने पास रखें और सॉल्यूशन साथ साथ में करें। हाँ और एक चीज़ और, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगता है समझ नहीं आया, जैसे एक मेरे स्टूडेंट का कमेंट्स आया है कि उन्हें 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझे दोबारा से करवाना है तो मैं करवा दूँगी। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बता दीजिए, जैसा भी हो आप लोग, ठीक है, फिर मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर दूँगी। तो हमने 3/7 का भी सॉल्व कर लिया, अब 4/7 को सॉल्व करते हैं। तो 4/7 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 × 1/7 लिख सकते हैं, राइट। अब इसे यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, 4 × 0.142857, ठीक है। ओके अब क्या करेंगे हम लोग कि हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं।7 × 4 = 28, 5 × 4 = 32, 2 × 8 = 3 = 11, 4 × 4 = 16 or 1 = 17, 4 × 1 = 4 or 1 = 5। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है 0.571428। ओके 4 × 8 ये हमारा आ चुका है 4/7 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5/7। 5/7 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1/7, राइट। अब 1/7 की वैल्यू गिवन है ना तो लिख लीजिए, पुट कर लीजिए वैल्यू को, 0.481428857 और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो हम इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25 or 3 = 28,
एट फाइव ज़ा 40 और 2 42, 2 फाइव ज़ा 10 और 4 14, 1 5 4 ज़ा 20 और 1 21, 2 5 2 7। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है 714285। ओके क्या लिख लेते हैं 0.714285। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है 6/7, उसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि उसका आंसर कितना आ रहा है। आप 6/7 को क्या लिख सकते हैं, 6/7 को 6×1/7 भी लिख सकते हैं। अब 1/7 की वैल्यू क्या है, हमारा गिवन है ना, तो हम लिख पुट कर लेते हैं वैल्यू। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, मल्टीप्लीकेशन। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा मल्टीप्लाई कितना आ चुका है 857142, राइट। तो ये हमारा आंसर है 0.857142। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड का भी हमने सारा सॉल्यूशन कर लिया। अब आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ओके।